हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मी एंड माय मैजिक बॉक्सेस। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने चाहिए दो ऐसे परफ्यूम्स का जो आपके पास मस्ट होने चाहिए, स्पेशली अगर आपको जो है रोज फ्रेग्रेंस के परफ्यूम्स बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये दो परफ्यूम्स का मैं आपके साथ जो है रियल ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। एक है थोड़ा अफोर्डेबल, मतलब बिल्कुल ही अफोर्डेबल रेंज में, और एक थोड़ा सा मिड रेंज का परफ्यूम है। और मैं आपको दोनों के जो है बताऊंगी नोट्स कैसे हैं और जो इनका जो स्टेइंग पावर कितना है, और आपको जो है मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन कि आपको जो है कौन सा लेना चाहिए, द अफोर्डेबल वन और द मिड रेंज वन। तो ये तो परफ्यूम्स हैं, दिस इज द बाथ एंड बॉडी वर्क्स का एक तो है ये यू आर द वन परफ्यूम, और दूसरा है इंगेज का परफ्यूम से डब्ल्यू वन रेंज, देख सकते हैं आप। तो ये जो है इंगेज का, ये रिटेल होता है 4 रुपीज़ 225 रुपीज़ ओनली, मतलब मोस्ट अफोर्डेबल परफ्यूम। और ये रिटेल होता है 4 रुपीज़ 179, मतलब आप देख सकते हो कितना प्राइस का मतलब फ़र्क है, ऑलमोस्ट 1500 का ऑलमोस्ट का फ़र्क है दोनों परफ्यूम्स में। और अगर आप सोच रहे हो कि मैंने, अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो या डेली वेयर के लिए आपको एक परफ्यूम चाहिए, क्योंकि अब डेली वेयर में अगर आप थोड़ा देख रहे हो मिड रेंज, तो इतने एक्सपेंसिव परफ्यूम्स हम नहीं लेते, हम सोचते थोड़ा डेली वेयर में, स्पेशली हम कॉलेज गोइंग है, तो थोड़े हम लेते हैं परफ्यूम जो हमारे बजट में हो प्रॉपर, ठीक है। तो ये दो परफ्यूम्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं आपको शेयर करती हूँ अब इनका रिव्यू कि कैसे इनकी फ्रेग्रेंस है। तो पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी यू आर द वन बाय बाथ एंड बॉडी वर्क्स का। तो चलिए इसको करते हैं फ्रेग्रेंस स्मेल। तो ये आता है 179 रुपीज़ में, और इसकी क्वांटिटी है 236 ml, जैसे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बॉटल है, मतलब इट्स नाइस क्यूट बॉटल, और आपके ड्रेसिंग टेबल पे भी पड़ी, मतलब बहुत ही अच्छी और क्लासी लगती है। इट्स वेरी नाइस पैकेजिंग, बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है इसकी। तो चलिए इसको करते हैं स्प्रे। गाइस, इसकी परफ्यूम इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी, मतलब आई कैन स्मेल इट अगेन एंड अगेन, मतलब इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस है। और इन्होंने कंपनी वाले इनके फ्लोरल नोट्स भी दिए हुए हैं, इसमें है वाइट बर्च फ्लावर्स का, वेलवेटी रोज एंड अ ड्रॉप ऑफ स्ट्रॉबेरी नेक्टर। तो ये तीन फ्लोरल नोट्स हैं इसमें, एक स्ट्रॉबेरी नेक्टर है फ्रूटी स्मेल जो देता है, और वेलवेटी रोज एंड वाइट बर्च का फ्लोरल एंड फ्रूटी स्मेल मिक्स जो है इसके नोट्स है, और मतलब बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। मतलब मैंने रोज के मैंने और भी परफ्यूम्स किए हुए हैं, बट आई थिंक दिस वन इज द मोस्ट क्लोजेस्ट, कहते हैं ना रोज स्मेल से सबसे क्लोजेस्ट है, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो एक होगी इसकी स्मेल, और इसके मैं बताती हूँ स्टेइंग पावर। तो फ्रेंड्स, मैं सच्ची बताऊँ, इसकी फ्रेग्रेंस मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छी रोजी स्मेल है, बट इसकी स्टेइंग पावर मैं कहूँगी नॉट मोर देन एन आवर, एक घंटे से ज़्यादा इसकी स्टेइंग पावर है ही नहीं। मतलब मैंने हर एक तरह के क्लाइमेट में, विंटर सीजन में, देन जब अभी गर्मी आ गई इसमें ट्राई किया है, तो ये मतलब बिल्कुल उड़न छू हो जाता है, आपको पता ही नहीं लगता कि कोई परफ्यूम लगाए। उनके जो पास में आपके है कोई, आपका फ्रेंड है कोई पास में भी आपके बैठा हुआ है, उसको बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि आपने कोई परफ्यूम लगाया, तो इसकी स्टेइंग पावर है ही नहीं। आई डोंट नो, मैंने कुछ रिव्यूज़ भी देखे थे, मैंने कुछ अपने फ्रेंड से भी फीडबैक लिए कि इसका अच्छा है, बट नहीं, पर्सनली मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, कोई स्टेइंग पावर नहीं है इसकी। एक घंटे ज़्यादा आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा बार बार, तो आपको मतलब हैंडी अपने पर्स में तो रखना ही पड़ेगा अगर आप कहीं जा रहे हो तो। तो फ्रेग्रेंस जब आप लगाते हो तो ऑसम है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है नो डाउट, बट स्टेइंग पावर नॉट एट ऑल। और सेकंड परफ्यूम है दिस इंगेज का परफ्यूम स्प्रे डब्ल्यू वन, इसमें डब्ल्यू टू और डब्ल्यू थ्री भी आता है, बट आई थिंक डब्ल्यू वन इज द बेस्ट, मतलब सबसे अच्छी फ्रेग्रेंस जो है डब्ल्यू वन की ही है। डब्ल्यू टू थोड़ा आता है फ्रूटी में, एंड आई थिंक डब्ल्यू थ्री थोड़ा वुडी नोट में है। तो ये है बिल्कुल रोज के क्लोजेस्ट, जो फ्लोरल नोट्स होते हैं उसके बिल्कुल क्लोजेस्ट है ये डब्ल्यू वन वाला। तो ये रिटेल होता है 4,225 रुपीज, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ऑसम। आई मस्ट से दैट ये जो नोट्स हैं, दिस आर फ्लोरल काइंड, थोड़ी सी मतलब फ्रूटी भी है, बट रोज के क्लोजेस्ट आई मस्ट से यही है। अगर आप प्रॉपर, आपको जेन्युइन ऑथेंटिक रोज स्मेल चाहिए कि हाँ भी मैंने रोज परफ्यूम लगाया हुआ है, आई थिंक यू आर द वन इज द क्लोजेस्ट वन। और इसकी स्मेल में मतलब बहुत ही अच्छी है फ्रेग्रेंस इसकी, बिल्कुल बिल्कुल फ्लोरल है। ये थोड़ा आ जाता है स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रॉन्ग नोट्स है इसके, इट इज फ्लोरल, इट इज समवट फ्रूटी,
और इसकी जो है फ्रेग्रेंस है इट्स स्ट्रॉन्गर देन दिस वन। इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसकी स्टेइंग पावर भी इतनी ज़्यादा नहीं है। ये बहुत ही जैसे कहते हैं ना सौंधी सौंधी सी इसकी फ्रेग्रेंस है, मतलब अच्छा यू फील लाइक यू आर इन द रोज गार्डन, ऐसी इसकी स्मेल है, फ्रेग्रेंस है। बट इसकी जो है इट्स अ स्ट्रॉन्ग वन, इट्स फ्लोरल, इट्स फ्रूटी, इट्स वेरी गुड फ्रेग्रेंस। और इसकी जो स्टेइंग पावर है आई थिंक इट्स लॉन्ग लास्टिंग, ऑल डे लॉन्ग, इवन जब मतलब नेक्स्ट डे तक अगर मैं अपने जो सेम डे की ड्रेस जो है कहीं रखती हूँ उतार के अलमीरा में, तो अलमीरा जब मैं ओपन करती हूँ ना तो मतलब अलमीरा में भी इसकी फ्रेग्रेंस आती होती है कपड़ों से, मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी उड़ती नहीं है फ्रेग्रेंस। अगर आप देखते हो ऑल डे लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग, आपको रीअप्लाई ना करना पड़े परफ्यूम बिल्कुल भी, तो आई थिंक दिस इज द मस्ट परफ्यूम फ्रेंड्स। और स्पेशली कॉलेज गोइंग गर्ल्स और लाइक वैसे भी डेली जो ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस गोइंग गर्ल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, जिनको डेली यूज़ करना है और दे डोंट बॉर्डर कि मुझे बार बार अप्लाई करना पड़े परफ्यूम, तो आई थिंक ये तो मस्ट है। आप सुबह लगा लो, आपको पर्स में भी लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, एंड थिंक यू आर सॉर्टेड, सो यू आर सॉर्टेड कम्प्लीटली। एंड आप मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू आप जरूर देखना और इसको जरूर ट्राई करना। आई थिंक 225 को इतने एक्सपेंसिव रेंज पे नहीं, और मैं कुछ एंडोर्स तो कर नहीं रही हूँ कि इसको स्पॉन्सरशिप मिली है मुझ कंपनी की, पर पर्सनल रिकमेंडेशन है क्योंकि मैंने ये यूज़ किया हुआ है और मतलब बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। इवन 2-3 डेज वही ड्रेस मैंने अगर 3 डेज तक मैंने अलमीरा में पड़ी तो 3 डेज तक इसकी फ्रेग्रेंस रहती है उसमें, मेरे कपड़ों में तो। बट ये बिल्कुल छू मंतर उड़न छू हो जाता है, तो आप खुद ही बताओ अगर आप लेना चाहते हो कोई परफ्यूम, अगर आपकी प्रेफरेंस है कि नहीं यार मुझे तो लॉन्ग लास्टिंग स्मेल चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग और स्ट्रॉन्ग थोड़ी फ्रेग्रेंस चाहिए, आई थिंक इसको बीट ये 179 जो है ये 225 रुपीज़ को बीट नहीं कर सकता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इन द मतलब फ्रेग्रेंस के मैटर में बीट कर सकते हैं क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस तो मतलब बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया रोज़ी, जैसे लाइक आप इन द रोज़ गार्डन में हो ऐसी इसकी फ्रेग्रेंस है। फ्रेग्रेंस वाइज ये बेस्ट है और फ्रेग्रेंस इसकी भी बेस्ट है, बट ये है कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और कईयों को जो है स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं पसंद होती, यू नो मुझे पर्सनली जो है स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस पसंद है, तो इसलिए मुझे मेरा अपर लेवल जैसे होता है ना कहीं पार्टी वगैरह में जाना है तो हम सोचते हैं थोड़ा एक्सपेंसिव परफ्यूम लगा के जाते हैं ना, तो आप सोचोगे कि यार हम यू आर द वन लगा के जाएंगे, बट फॉर मी मैं यू आर द वन करूँगी डेली यूज़ में एंड पार्टीज़ में फंक्शंस में मैं लगाऊंगी ये इंगेज का दिस 225 रुपीज़ वाला, तो आप खुद सोच सकते हो कि मतलब कितना फ़र्क है दोनों में और मुझे पर्सनली ये वाला कितना अच्छा लगा है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का रिव्यू, मेरे लिए जो है दिस इज़ द विनर ओवर दिस वन। तो आप मुझे अपना पर्सनल ओपिनियन भी बता सकते हैं अगर आपने ये दोनों परफ्यूम्स यूज़ किए हैं तो इन दोनों के जो है प्रोडक्ट लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं और आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये था मेरा आज का रिव्यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।